वेलकम टू दी आर्ट रूम और मैं हूँ लालोन और हम यहाँ पे करते हैं बहुत सारा फन, बहुत सारा मजा और बनाते हैं बहुत सारे नए नए चीजें। नई नई चीजों से याद आया, आज जो है मैं जा रहा हूँ दोस्त की बर्थडे पार्टी पे। बर्थडे पार्टी मतलब गिफ्ट, और ये गिफ्ट जो है मैं खरीद के नहीं दूंगा, क्यों खरीद के तो हर कोई देता है, ये गिफ्ट मैं बना के दूंगा। तो ये गिफ्ट होगा गिफ्ट बकेट। तो हम बनाते हैं गिफ्ट बकेट, और गिफ्ट बकेट बनाने के लिए चाहिए पेपर कप, स्प्रे पेंट, पेपर स्ट्रिप्स, और चाहिए कुछ कलरफुल पेपर। ये मास्क मैंने क्यों पहना है पता है? क्योंकि मैं एलियन दिखूंगा इसलिए। नहीं नहीं, इसलिए कि मैं अभी करूंगा स्प्रे पेंट, इसके लिए मैं पहनूंगा मास्क, नहीं तो ये बॉडी के अंदर अगर सांस के साथ चला गया तो तकलीफ होगी। तो चलो करते हैं स्प्रे पेंट। अब ये कलर हो गया, अब इसको हम सूखने देंगे, और तब तक अब ये सूख गया है, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे छोटी कैंची से। ये पहले इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम काट लेंगे, तो ये थोड़ा सा लचीला हो जाएगा, क्योंकि कप का ये हिस्सा इसको हार्ड करता है। अब देखो ये कैसे लचीला हो गया ना। अब हम इसको ऐसे ऐसे काटेंगे, इसलिए हम लेंगे स्केल। ये जो कप का ऊपरी भाग है ये जितने साइज का है 7 सेंटीमीटर, तो हम इधर काटेंगे इसका आधा, मतलब कि 3.5 सेंटीमीटर हमें लेना है, इतना सा हिस्सा। अब इसको हम पेंसिल से मार्क कर लेते हैं। मार्किंग हो गया, ये हो गया लंबाई। अब जो है हम इसको 8 हिस्से में काटेंगे, पहले कप को जो है ऐसे करके पिचका देंगे, तो हमें यहाँ पे मिल गया एक पॉइंट और यहाँ पे मिल गया दूसरी पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट को जो है हम एक दूसरे से मिलाएंगे ऐसे, फिर हमें मिल गया ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, सेम वे में ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाएंगे ऐसे, तो अब जो है हमारे पास 8 पॉइंट्स मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम इसको काटेंगे 3.5 सेंटीमीटर के हिसाब से, वो मार्क लगाया हुआ था। अब ऐसे ही सबको काटेंगे 3.5 सेंटीमीटर के हिसाब से। अब ये कट गया, हाँ, अब ये ऐसा दिखेगा। अब ये कट जाने के बाद हम इसको ऐसे से मोड़ देंगे अंदर की तरफ, ये मुड़ गए। हम इनको फिर से निकालेंगे और इसको राउंड शेप में काटेंगे एक तरफ कुछ ऐसे, ऐसे, और ऐसे ही बाकी का भी हम काट देंगे। ये कट गया, और कटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसको मोड़ेंगे। अब मोड़ने के टाइम ये याद रखना कि ये जो राउंड वाला शेप है वो ऊपर की तरफ रहे। ये बन गया बकेट, लेकिन बकेट का एक हैंडल भी तो होना चाहिए, तो अब बनाते हैं बकेट का हैंडल, और उसके लिए हमें चाहिए पेपर स्ट्रिप। ये पेपर स्ट्रिप स्टेशनरी शॉप में मिल जाता है, इतना ठीक रहेगा, मतलब कि बाकी का हम काट देते हैं। अब इस हैंडल को हम चिपकाएंगे, उसके लिए चाहिए
ग्लू 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 ग्लू, ऐसे हम साइड में ग्लू का लाइन लगा के उसके ऊपर चिपका देंगे ये पेपर स्ट्रिप और उसको सुखाएंगे। ये सूख गया, अब इसके उल्टे तरफ भी इसको चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए चाहिए ग्लू। ये ग्लू लगा लिया, अब हम इसको ऐसे करके चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद इसको सूखने रख देंगे। ड्राई। ये जब तक सूखे इसके ऊपर एक लगाते हैं बो, और वो भी हम ऐसे ही पीले कागज से बनाएंगे। ये और एक स्ट्रिप पेपर ले लिया, अब इसको हम पहले ऐसे मोड़ेंगे और फिर इसको चिपका देंगे ग्लू से। ये चिपक गया और ऐसे ही इसको दूसरे साइड से हम फोल्ड करेंगे, ग्लू से चिपका देंगे ऐसे। अब बनाएंगे इसे थोड़ा सा छोटा, ऐसे चिपका देंगे। ये मोड़ लिया, ये चिपकाया, अब इधर से भी हम इसको, ये चिपक जाए तो बाकी का जो है काट देंगे। ये बन गया बो मेरे जैसा। अब ये जो बो है इसको हम बकेट के ऊपर चिपकाएंगे। ऐसे कर ये बन गया बकेट। इसका सामने वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा खाली लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दें। इसके लिए क्या करें, हाँ मेरे पास कलरफुल पेपर है, इसके ऊपर कुछ डिजाइन काटते हैं और उसके ऊपर चिपकाते हैं। लेकिन डिजाइन क्यों काटेंगे, हमारे पास है पंचिंग मशीन। पता है ना पंचिंग मशीन क्या होता है? पंचिंग मशीन है कि ये जो डिजाइन आप देख रहे हो ऐसे ही डिजाइन ऐसे कागज डालो और दबाओ तो यहां से कट के निकलता है ऐसे। अब जो है हम इसी पंचिंग मशीन से डिजाइन काट के निकालेंगे। और मेरे पास है स्टार्स। अब मैं बोल सकता हूं दोस्त को कि देख तेरे लिए मैं तारे तोड़ के लाया हूं। ये बहुत सारे तारे कट गए, अब इसको इसके ऊपर चिपकाएंगे और चिपकाने के लिए चाहिए ग्लू। और अगर आपके पास पंच मशीन ना हो कोई बात नहीं, आप जो है कैंची से काटिए कोई भी डिजाइन और बना लीजिए, नहीं तो स्टिकर लगा दो। ऐसे ही इसके ऊपर लगा देंगे तारे। ये तो बन गई तारों वाली बकेट, से रात को तारे टिमटिमाते हैं ना वैसे ही। अब ये तारे चिपक गए, अब ये बन गया तारों का बकेट। अब इसको क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे अपने दोस्तों को। टडैंग, तारों वाला बकेट। अब ये बन गया गिफ्ट बकेट, अब इसमें डालेंगे कुछ चॉकलेट। इसके लिए चॉकलेट लेने जाता हूं, तब तक आप ले लो एक छोटा सा ब्रेक।